लड़का बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकता, बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकता, आपका भाई हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। एक दोस्त, एक भाई या फिर बंदा। पहले डेट में कछुओं में नहीं देखा, दूसरी तीसरी पे देखा जा सकता है। भाई नहीं पट रही ना तुमसे तुम्हारी क्रश, अगर नहीं पट रही और पटाना चाहते हो ना तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ऐसी ऐसी टिप्स दी है ना तुम्हारी क्रश तुम्हारे पैरों पे आके गिरेगी। चलो कोई वैसे तीन चीजें जो उसको पहली डेट में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अरे यार डेट तो हो जाए पहले। एक ज्यादा क्लोज क्लोज नहीं होना चाहिए पहली बार में। किस एक्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए आई गेस। किस नहीं करना चाहिए, लड़का ही नहीं आना चाहिए। Not get that frank first time. Haan. I don't like it. He shouldn't speak those cheesy pickup lines. ज़्यादा चपड़ चपड़ नहीं, दूसरी लड़की की तरफ नहीं देखना चाहिए और डेट वाले दिन उसको उसके फ्लैट पे नहीं जाना चाहिए। स्लीपर्स में नहीं आना चाहिए, जॉगर्स में नहीं, थोड़ा फॉर्मली अच्छे से रेडी होके, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहली डेट में कछुओं में नहीं देखना, दूसरी तीसरी पे देखा जा सकता है। डोंट एक्ट वेरी स्मार्ट ऑन योर फर्स्ट डेट कि नहीं सब कुछ मैं ही करूंगा, आई विल पे द बिल्स, आई विल ऑर्डर द फूड एंड स्टफ। पर्सनालिटी यू हैव, वी गेट इट, यू आर गेटिंग फेक, वी रिकॉग्नाइज इट वेरी इजीली ऑन द फर्स्ट डे ओनली। मेरे हिसाब से पहली डेट पे पिक करने भी नहीं जाना चाहिए लड़की को, और लड़के को लेने आना चाहिए। अगर हम करें तो करें क्या। अच्छा लड़कियों को पसंद होता है जब उनके पार्टनर उनको रोस्ट करते हैं। Depends. एक होता है पॉजिटिव वे में रोस्ट कर, अगर उन्हें डिग्रेडेशन किंक है तो हाँ। I get roasted. हाँ होना चाहिए, but it should be both ways. एक वो भी होता है कि आप साथ में दो जने साथ में हो, तुम कर रहे हो तो तुम भी आगे से कर दो, एक कि इन पब्लिक ना हो, दी थोड़ा कर दिया आगे। I like roasting. I also like roasting. इतना रोस्ट कर दो, काला कर दो उसको, भून दो उसको। मैं तो मेरे जैसा कोई रोस्ट नहीं करता तो उसको करना बनता है, मुझे ठंडा रखने के लिए थोड़ा तो बनता है उसको भी। ठीक है समझ गया। मैं डेली रोस्ट होती हूँ। क्या बोलता है? कभी मेरी हाइट को लेके बोलते हैं, कभी मेरे टीथ्स को लेके बोलते हैं। अगर वो आपको रोस्ट करे आपकी फैमिली को लेके या पर्सनल मैटर्स को लेके, देन आई थिंक वो ठीक नहीं होता। अब कहीं ना कहीं अगर आप अपने पेरेंट्स में भी देखो तो कहीं ना कहीं पापा भी थोड़ा बहुत मम्मा को रोस्ट कर ही देते हैं। मम्मा तो चलो फिर पूरा ही रोस्ट कर देते हैं, बाकी सारे तो करते रहते हैं, उसको तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं मेरे को तो नहीं चलेगा, मैं भी उल्टा रोस्ट करूंगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अच्छा टू गर्ल्स लाइक इंस्टेंट रिप्लाईज। यस दैट्स अट्रैक्टिव। इंस्टेंट ही रिप्लाई चाहिए। नो नो इंस्टेंट रिप्लाईज नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे हैं। हम लेट दे सकते हैं, हम तो लेट ही देंगे ना, हम भी जल्दी देंगे। थोड़ा सा लेट होना चाहिए, ऐसा लगता है ज्यादा ही बिल लाएगा तो। पर वो हमें इंटरेस्टेड है ना, वो अपना काम छोड़ रहा है, है ही नहीं उसके पास काम। ये तो धोती खोल रहा है, इतना बिल्ला आदमी डिटेट करता। हां ऑब्वियसली क्यों इग्नोर करना, ही इज अ गुड वन। बट यार फिर थोड़ा थोड़े तो टॉक्सिसिटी चाहिए होती है यार, लाइक थोड़ी सी चाहिए। ऑलवेज अवेलेबल वाली चीज नहीं अच्छी लगती यार, इट्स और आई डोंट नो, इट्स अ नेचुरल थिंग इन गर्ल्स की ज्यादा जो मिलता है ना यू डोंट वैल्यू दोस और यू नो यू लाइक गेट अवे। बट जब वो टॉकिंग स्टेज होता है उस टाइम पे लड़कियां ज्यादा ये चाहती हैं कि थोड़ा लड़का जो वो थोड़ा लेट रिप्लाई करे, जल्दी करे तो काफी लड़कियों को वो डेस्पोसा लगता है कि हाँ भाई ये तो मरे ही जा रहा है बस बात करने के लिए। तुम्हें कैसे अच्छा लगता है कि लड़का खुद आके तुम्हें अप्रोच करे या अपने फ्रेंड को भेजे कि भाई जा उसको नंबर दे आ, खुद आगे करे, खुद आगे करे, खुद आगे करे। ही शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, आके सीधा नंबर मांगे या कुछ भी, खुद हाय हेलो कुछ भी करना, खुद आगे करे। बिल्कुल मे बी डायरेक्ट आके बोलो हाँ आप कैसे अप्रोच करो, देयर इज अ वे टू इट, आप रैंडमली करो या किसी के थ्रू करो। नहीं नेवर नेवर प्लीज नेवर डू इट, मत किया करो, खुद आओ। हां खुद आओ, खुद आओ। अगर कोई लड़का देख रहा हो तुम्हें पटाना चाह रहा है तो दोनों पटोगे कैसे, और वही कॉन्फिडेंटली आके अगर बात करेगा, कॉन्फिडेंस मैटर्स। मैं तो नहीं पटूंगी, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वी वर इन सेम स्कूल, ही वाज माय सीनियर एंड आई वाज ऑफ कोर्स हिज जूनियर, सो या वी बिकेम जनरली फ्रेंड्स एंड देन वी मूव्ड ऑन इनटू अ गुड रिलेशनशिप। कुत्तों की तरह पीछे पड़े रहे। फिर कर लेगी। हाँ पिघल जाती हूँ मैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। हाँ ठीक है यार, चलो ठीक है, गिटार ही बजा देना ये पिघल। हाँ तुम गिटार ही बजा दो यार, हरियाणवी गाना गा दो, मैं हरियाणा से हूँ, एक हरियाणवी गाना पसंद है मेरे को, माई क्वीन। मतलब अच्छी हाइट हो उसकी और बॉडी अट्रैक्टिव हो,
लेटर्स, ओल्ड स्कूल लव. शक्ल से तो नहीं पटूंगी. गिटार से? गिटार से? अब लड़के तो गिटार बजाते हैं कि लड़कियां पट जाएं. अब पट गई तो उनके में बेट भी लगता है कि मैं गिटार बजा के लड़कियों को पटा सकता हूँ. पट गई तो बस, नहीं पटी तो भी बस, फिर दूसरी पे ट्राई करते हैं. कोई सेंसेस बात की? What kind of first date do girls expect? Bookshop पे, it's never give me flowers. You मुझे बुक गिफ्ट करो ना. मतलब बुक किताब के अंदर पन्नों में बंद करके. मैं तो रखे हैं. किसने दिए थे? अरे लाइक फ्रेंड. नहीं फ्रेंड नहीं दिए थे. फर्स्ट डेट पे तो ऐसे ही नॉर्मल ड्राइव. कैंडल लाइट है ना? मे बी अ प्ले डेट. लाइक वी गो टू स्मैश एंड वी प्ले, वी विल गेट टू नो ईच अदर. व्हेन बेसिकली क्या फर्स्ट डेट पे बॉलिंग करना चाहते हैं? स्ट्रीट फूड वगैरह एंजॉय करना. सिंपल सी एक चाय वाली होनी चाहिए, है ना? एक गार्डन हो, अच्छा सा हो बस. मेरा लाइक लॉन्ग वॉक उसके साथ जाना, बातें करना, ढेर सारी बातें करना. जस्ट लव टाइम. बातें 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 बातें. कुछ भी प्लान नहीं हो, बस होता रहे सब अपने आप. फर्स्ट डेट ऐसी होनी चाहिए कि वो मिले, रोज लेके आए, मुझे प्रपोज करे और किसी ऐसी जगह. प्रपोज करना इज ओके? यस, बट मैं चाहती हूँ कि इट शुड बी देयर. मैं थोड़ा टाइम लटकाना चाहती हूँ. बट डेट तो इट शुड बी एक्सपेंसिव आई थिंक. ज्यादा नहीं, छोटा मोटा खर्चा चलता है. 20-30 रुपए के मोमोज खिला दो, खुश लड़कियाँ. कितनी ऑसम है यार. अच्छा, डू गर्ल्स लाइक हिंट्स या फिर उनको चाहिए कि लड़का डायरेक्टली आके बोले? आई थिंक हिंट्स आर मोर फन. या हिंट्स आर मोर फन. Direct approach is the best. Straight forward. Healthy relationship. Direct. Oh, badi jaldi bola. Ek moment tak hints theek hai. Kaise hints? Kis tarah ke hints de wo? Ek eye contact, chhota sa. Eye contact. Haan, bilkul. Chhota sa eye contact. Ya fir wo apni collar aise upar kar shorts ko. Hints are not the creepy one, of course. The basic one that you know that me and only him know. There's just some eye contacts or like basic si cheeze which is not like highlighted to the people. It's like it's between two of us. We know that there's a spark. You just need to go and get that. You just need to feel that. Yeah. Eye contact weakness hoti hai ladkiyon ki. ये मुझे अच्छा नहीं लगता. आप अपने फ्रेंड को बोलते हो और वो आपको बोलता है तुझे पता है वो तुझे लाइक करता है. क्यों भाई, तुझमें हिम्मत नहीं है बोलने की? बोल दे यार, इट्स ओके. साथ में आके बैठ जाना या फिर ऐसे. मैं थोड़ी डम हूँ तो मेरा हिंट्स से नहीं होगा. सच है या झूठ है, बट बोल दो, डायरेक्ट अप्रोच करो. ऐसे नहीं कि लाइक कर रहे हैं फिर बता भी नहीं रहे हैं, होल्ड पे रखा है. मैं होल्ड पे रखूं? ब्यूटी तुम्हारी है ना? मैं होल्ड पे रखूं, दैट इज ओके. ओ भाई, मारो मुझे, मारो. How should a guy propose you? Dinner ke time, candlelight dinner ke time. My proposal thing is going to a mountain, proposing there and then getting it all sorted. So when is it happening? Soon. मैं तो करना चाहती हूँ. Oh God! एक बार दिला दे. अगर public के सामने propose कर रहे हो तो I am okay with that. पूरा भाई street ऐसे cover हो. हाँ, I am okay with. अकेले बीच बीच अगर वो एक फूल लाके भी दे रहा है, दैट्स मोर देन एनफ. हम चलते फिरते जा रहे हैं कहीं और वो घुटने में बैठ के सबके सामने भी क्या बोर में लेके बैठ जाए बस. इतना बोर हो यार. रिंगो जो भी, हाँ कुछ भी हो, पीसफुल प्लेस हो जहाँ पे कोई ना हो दूर दूर तक, और वो मेरे लिए मतलब उस जगह को अच्छे से डेकोरेट करके रखा हो, फिर वो रोज लेके आए और साथ में एक जूस भी लेके आए, मेरे आंखों में आंखें डाल के देखे और बताए हाउ मच ही लव्स मी एंड ऑल. और उसके बाद तुम बोलो मुझे टाइम चाहिए. हाँ, उसके बाद मैं बोलूँ कि ओके आई विल थिंक अबाउट इट. आए और मेरे को एक फूल पकड़ा दे और बोले कि मैं तेरे को पसंद करता हूँ, बस खत्म. लड़कियाँ क्या करती हैं ऐसा कि लड़कों को समझ में आ जाए कि वो भी उनको पसंद करते हैं? अगर ये लड़कों को समझ आने लग गया होता तो दिक्कत ही क्या होती. नहीं आता लड़कों को समझ. हम लोग खड़े, मतलब हम लोग बास्केटबॉल खेलते थे, हम खड़े हैं वहाँ पे, एक लड़का मतलब ऐसी थोड़ा सा पसंद था, इतना भी नहीं, थोड़ा सा और बिल्कुल अंधेरा था, लाइट लूट बंद थी तो उसको प्यास लगी. वो खेल के आया, हम लोग पहले से खेल के बैठे हुए थे, उसको चाहिए था पानी. ये बंदी अंधेरे में ऐसे ऐसे मैं पानी लेके अंधेरे में, वो लड़का बोलता कहाँ जा रही है अंधेरे में. सामने वाले को लगता है वो इंटरेस्टेड है, बट वो तो बस टाइम पास. अपना अपना बता रही हूँ ना. हाँ, अपना ही बता रही हूँ. अब मेरे को एक महीने में चार बंदे प्रपोज कर रहे हैं, मैं किन किन का एक्सेप्ट करूँ?
तो होल्ड पे करो। मैं भी बस में आ रही थी तो एक बंदा बोल रहा था अच्छा आप भी सुखना लेके जा रहे हो, मैंने बोला हाँ, फिर मेरे को लगा ये मुझे फॉलो करेगा बट अच्छा है कि नहीं किया, वरना फिर मैं उसको भी घुमाती यहाँ तो खर्चे करवाती उससे यहीं पे। अगर कोई लड़की तुम्हें सुन रही है ना फिर तुम समझ जाओ कि कुछ बात है, अब कुछ बात है, समझ जाओ समझ जाओ, फिर भी नहीं समझो तो फिर भाड़ में जाओ। मान लो आपका कोई गाय फ्रेंड है या फिर मेल बेस्ट फ्रेंड है आपका और उसको आप पे क्रश आ जाता है तो आप क्या करोगे, दोस्ती तोड़ोगे या उसको समझाओगे? दोस्ती तो नहीं तोड़ूंगी मैं, दोस्ती तो नहीं तोड़ेंगे, पर लड़के हिचकते बहुत है अगर वो फ्रेंड हो ना बताने के लिए, दोस्ती टूट जाती है, हां डर लगता है तो वो बताते नहीं कभी। तो वो हमारी शादी में चन्ना मेरी अपन तो इतना बोलता, अगर तुझे फ्रेंडशिप रखनी है तो ठीक है, अगर उससे नहीं हो पा रहा तो तुम दूरियां बना लो, कुछ टाइम के लिए रहने दे, खर्चा पानी हो जाए ले जा, पैसों का शेयरिंग होगा, एक दिन उसके पे खर्चा एक दिन मेरे पे, दैट्स इट। नहीं, लड़का बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकता, बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकता, आपका भाई हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, एक दोस्त एक भाई या फिर बंदा, बस इसके बीच में ये बेस्ट फ्रेंड वाला कांसेप्ट हमारी लाइफ में है ही नहीं, हमारी लाइफ में ना है, हमें ना हमें चाहिए, नाइट टाइम पे फीलिंग आ ही जाती है, ये सच में बेस्ट फ्रेंड शायद बने इसके लिए कि इनको एक टाइम पे आ ही जाएगी फीलिंग, नहीं उसको समझाएंगे यार ये नहीं हो सकता, दोस्ती सबसे इम्पोर्टेंट है, हंस लेंगे और चल भाई अगले दिन फिर वैसे, पर चीजें वैसी रहती है, नॉर्मल रहती है वैसे। हां हां नॉर्मल। अच्छा कोई क्रेजी क्रश स्टोरी सुनाओ। मैं एक फेयर पे गई थी बस ऐसे घूमने फ्रेंड्स के साथ और वहाँ पे एक लड़का था, मुझे नॉर्मल वो अच्छा लगा और बस हमारा आई कांटेक्ट हुआ, जैसे थोड़ी सी स्माइल हुई और जो वो आ गया मेरे पास बात करने के लिए डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। अरे वो तो क्रिकेटर है, ईशान किशन और शुभमन गिल। उन पे था आपको है मतलब? हाँ क्या है, तो मिल जाए तो वो शुभमन की तो सारा है, सारा की सारा उसी की है, सारा का सारा, दुनिया गलत सारा के पीछे पड़ा है। किसी को मेरे पे क्रश था, हम साथ में पढ़ते थे और फिर पता नहीं मुझे क्या था, मतलब अच्छे फ्रेंड्स थे हम, बट जिस दिन उसने मेरे को बताया दैट ही लाइक्स मी तो मेरे से उसको थप्पड़ बज गया। अति बहुत ऐसे थे साइको कि कॉलेज वगैरह में ना स्टॉकर्स लगा रखे थे मेरी क्लास में, वो मेरे पर पूरा नजरें रखते थे। और मेरा एक क्रश था जब मैं 10th क्लास में थी और वो भी सेम स्कूल में था, उस टाइम मेरी फ्रेंड ने मेरे से बिट लगाया कि तू इसे पटा के दिखा, मैंने बोला कि आज ही मैं इसका नंबर भी निकालूंगी, आज ही मैं इससे बात करूंगी, मैं अननोन बन के बट करूंगी। और उसका वो पंजाबी था और उसकी एक शॉप थी उलन की, मैं वहाँ गई, फिर मैंने उसे बोला कि मेरे को स्वेटर लेना है, फिर उसने मुझे बोला कौन सी लेनी है, फिर मैंने ले लिया और वो जो पैकेट दिया था उस पर उसका नंबर भी था और वो उसी का ही नंबर था, उसी बंदे का। फिर मैं घर गई, फिर उस टाइम मैंने अपनी मम्मा के फ़ोन से उसे कॉल किया और वो बंदा रिसीव किया। फिर मैं उसे एक महीने परेशान की, बूथ पे जाती थी वहाँ से कॉल करती थी, उस टाइम बहुत छोटी थी, फ़ोन हुआ नहीं करता था, बूथ पे जाके वहाँ पे मैं उससे कॉल किया करती थी। बाद में उसने बोला मैं पुलिस में जा रहा हूँ बताने कि तुम मुझे परेशान कर रही हो, मैंने बोला कर लो, बट बेट तो मैं जीत चुकी थी सेम डे। पर हम एक लड़के भाई बहुत हंसे थे, वो लड़का इसको पसंद करता था और वो सामने से आया और वो पता नहीं क्यों मैं हंसी आई उसको देख के। क्या इतना बुरा हूं मैं मां। स्कूल टाइम पे था वैसा नसनुस वाला था कोई लड़का, हाँ वो नहीं ऐसा भी नहीं क्या हुआ था, निशान थे बस, कटिंग के निशान वो मैंने देखा था, वो थोड़ा होते नहीं पागल से वैसे था टाइप, तुम्हारे पीछे काटा था। हाँ ये बंदी चली बास्केटबॉल लेके चली हुई है, चली हुई है पता नहीं क्या, और इधर हमारे जिम है और यहाँ पे दो तीन लड़के खड़े हुए हैं, ये बंदी आई यहाँ पे जैसे ऊपर होता है ना थोड़ा सा फ्लोर, थोड़ा फ्लोर थोड़ा ऊपर था, ये आई है देखते देखते पीछे से जो वहाँ जाके और पूरे घुटने छिल गए, पूरा हाथ और मैं देखा तो नहीं, उसने देखा तो नहीं मुझे, देखा तो नहीं, मैं तो गिरी नहीं, मैं तो नीचे वो ले रही थी और वो जो साइड में चार पाई भाई 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 और ये मैंने की नीचे हंसने बैठी है बेशरम, मैं लेट लेट काम होता है ना, मैं लेट लेट के हंसी हूँ। अरे वो लड़के बोला उन दोनों तीन चार लड़कों को, मैंने तुम बताना खड़े रहो वही के वही मुझे हंसने दो, और उसने कुछ अभी देखा नहीं, कौन है लड़की कौन गिरी वो उठाने आ रहे हैं, तुम बताना, बोला तुम चुप रहो, तुम बताना मुझे देखने दो गिरी है, एक मौका तो मिला था, मैंने वी आर इंडिपेंडेंट वुमेन्स वी कैन स्टैंड, यार इतनी सी हेल्प कर सकते थे तुम्हारी, अगर इसके बाद भी तुमसे क्रश नहीं ना पड़ रही तुम्हारी, तुम्हारी गलती है, तुम में कोई खोट है। बट चलो इधर तक वीडियो देख लिए, देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब किए मत जाना, बाय बाय।